ओम शांति दोस्तों, तरंग इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। ये देखिए 14 इंच की ओनेक्स की टीवी है, इसको हमने लाइन दिया हुआ है और ये देखिए हमने ऑन किया और ये आपकी सेट ऑन नहीं हो रही है। इसकी रेड इंडिकेटर भी नहीं जल रही है। इसको खोलकर देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। ये देखिए दोस्तों, हमने इस सेट को खोला हुआ है, ये आपका किट है, इसको हम चेक करते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने इस किट को देखते हैं इसमें प्रॉब्लम। ये देखिए सबसे पहले ये देखिए आपका ये फ्यूज का जो जम्पर है ये आपका शॉर्ट होकर उड़ गया है। ये सप्लाई का जो फ्यूज का जम्पर है ये उड़ गया है, इसको हम पर एक फ्यूज बांधते हैं। उसमें ये फ्यूज उड़ने का रीजन क्या होता है, जब आगे कोई शॉर्ट सर्किट होता है फ्यूज तभी उड़ता है। सबसे पहले हम इस फ्यूज को बांधते हैं। देखिए एक पतला जम्पर वायर लेकर हम इसको फ्यूज को लगाते हैं। ये हमने जम्पर वायर को लगा दिया। तो देखिए हम इससे को सबसे पहले सीरीज में चेक करेंगे, सीरीज बल्ब सारे हम इसको चेक करते हैं। और ये देखिए सीरीज बल्ब लगाने पे ये आपका सप्लाई शॉर्ट बता रहा है, इसका मतलब अगर हम इसको मेन करेंगे तो ये आपका फ्यूज फिर से उड़ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें करते क्या है, ये फ्यूज के थ्रू ये एसी ट्रांसफार्मर लगा होता है, इसके थ्रू जो आते हैं ये डायोड, हम डायोड को मीटर से लगान ही चेक कर लेते हैं। ये शॉर्टकट तरीका है, हम देखिए दिखाते हैं आपको। ये देखिए हमने चेक किया, एक तरफ से आपका कम बताया, ये दूसरी तरफ से प्लस पॉइंट से चेक किया, ये आपका डायोड के थ्रू बता रहा है। ये दूसरा डायोड भी देखिए हमने चेक कर लिया, ये ऐसे ही बता रहा है। और देखिए हम तीसरा डायोड देखिए चेक करते हैं, तीसरा डायोड देखिए ये आपका पूरा बता रहा है शॉर्ट। ये देखिए पलट कर हम चेक करें, ये डायोड भी आपका शॉर्ट बता रहा है। तो दो डायोड सही है, ये दो एक डायोड आपका ये शॉर्ट बता रहा है। ये देखिए चौथा डायोड हम चेक करते हैं, ये भी आपका शॉर्ट बता रहा है। इसके थ्रू हम अगर और शॉर्ट करने चेक कराते हैं, देखिए फिल्टर कंडेंसर में लगाते हैं, ये देखिए फिल्टर कंडेंसर आपका शॉर्ट नहीं बता रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो चार डायोड की ब्रिज रेक्टिफायर बनी है जो कि एसी सप्लाई आती है यहाँ से एसी ट्रांसफार्मर के थ्रू होकर ये आपके डायोड पे आती है, जो डायोड एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करके इस फिल्टर को देता है। ये फिल्टर आपको ऐसा पीएस के थ्रू मास्टर या ट्रांजिस्टर पे देता है। तो सबसे पहले हम इस डायोड को निकाल कर चेक करते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने ये दोनों डायोड यहाँ का निकाल दिया, देखिए निकाल दिया हुआ है। ये दोनों डायोड हम चेक कर लेते हैं, ये देखिए हम मीटर से इसको चेक करते हैं। ये देखिए आपका ये दोनों तरफ से मीटर भी देखिए ये शॉर्ट बता रहा है। ये देखिए दूसरी तरफ से भी बता दिया शॉर्ट। ये देखिए इस डायोड को भी देखिए शॉर्ट बता रहा है आपका, ये डायोड भी देखिए आपका शॉर्ट दोनों तरफ से बता दिया। देखिए इसमें दो डायोड देखिए, इसको फिर से हम चेक करके आपको दिखाते हैं, ये आपका एक ही तरफ से बताएगा। ये देखिए ये आपका बताया एक तरफ से, या दूसरी तरफ से ये आपका डायोड नहीं बताएगा। इसका मतलब ये डायोड जो आपका लगा हुआ है इसमें ये सही है, इसके जगह जो दो डायोड ये आपका ख़राब है। चाहे हम दूसरा दो डायोड लगा दें, देखिए ये दो डायोड हमने रखा हुआ है जो कि पुराना ही डायोड किट में से निकाले हुए हैं। ये देखिए ये डायोड आपका एक ही तरफ से बताएगा, देखिए एक तरफ से बताया, दूसरा भी आपका देखिए इसी तरीके से बताएगा। दोस्तों ये जो चार डायोड का ब्रिज रेक्टिफायर बनता है, जब ये डायोड शॉर्ट होता है तो ये चारों डायोड एक साथ बदलना चाहिए। हम इसको दो डायोड ही बदल रहे हैं इसलिए कि अगर आपके पास जो मार्केट का नया डायोड आता है वो आपका डायोड का एम्पीयर हल्का होता है, अगर आप किसी पुराने किट से निकाल कर इसको अगर दो ही डायोड लगा देंगे तो ये आपका सेट ओके हो जाएगा और ये आपका डायोड उड़ेगा नहीं, जलेगा नहीं। और अगर मार्केट का दो डायोड आप लगा देंगे और दो डायोड ये कंपनी का रहेगा तो ये आपका टीवी फिर से फॉल्ट आ जाएगा। इससे अच्छा है कि दो ही डायोड इसका हम बदल दें
या चारों डायोड बदले तो पुराना लगा दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि पुराने वाले डायोड का एम्पियर तेज होता है। अब देखिए इस डायोड को हम लगाते हैं, तो देखिए हम पीछे से ही लगा रहे हैं। इसमें आपका प्लस माइनस का जो सिरा होता है, ये सफ़ेद वाला पॉइंट जो होता है डायोड का, ये प्लस में तो होता है उस साइड का, और जो जिस साइड में निशान नहीं होता वो सिरा आपका माइनस होता है। डायोड को प्लस माइनस को अगर आप उल्टा आप लगा देंगे तो जब ये आप सीरीज में इसको लाइन देंगे तो ये आपका शॉर्ट बताएगा सप्लाई। देखिए हमने डायोड को लगा दिया, अब लगाने के बाद भी अगर आप चेक करेंगे तो भी ये आपका डायोड शॉर्ट नहीं बताएगा। ये देखिए हम लगा कर दिखा रहे हैं, देखिए ये आपका नहीं बताया दोनों, ये फिर देखिए, देखिए इधर आपका ये डायोड बताएगा, ये देखिए। अब इस सेट को हम लाइन देकर चेक करते हैं, ये देखिए दोस्तों आपकी रेड इंडिकेटर जल गई टीवी में आपकी, और ये देखिए आपकी टीवी की स्क्रीन आ जाएगी धीरे धीरे। तो देखिए आपका डिस्प्ले आ गया टीवी का। ये देखिए दोस्तों ये ओनेक्स की जो 14 इंच की टीवी, जिसमें कि पावर सप्लाई खराब था, इसमें आपका डायोड लग गया और ये आपका टीवी ओके हो गया। दोस्तों सीआरटी टीवी या एलईडी टीवी से संबंधित अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो हमको कमेंट करके कमेंट बॉक्स द्वारा पूछ सकते हैं। कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा, ओम शांति।